पठानकोट विधानसभा में पड़ते गांव तलवाड़ा, जट्टा और सिंबली को जोड़ने वाले पलटन पुल का पठानकोट विधायक अश्विनी शर्मा ने लोकार्पण किया। इस पुल के बनने से इलाके के लोगों को काफी लाभ होगा। इस पुल की मांग यहां के लोग पिछले 50 वर्षों से कर रहे थे। इस पुल के बन जाने से लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। पुल का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि उन्होंने इस पुल का उद्घाटन करके लोगों को सुविधा प्रदान की है। एमएलए अपने अश्विनी शर्मा जी इन्होंने काफी प्रयास किया है ते सारे जड़े इतों के 40-50 पिंड जड़े हैं उन्होंने थैंक्स करना चाहते हैं। उन्होंने थैंक्स किया है उन्होंने 50 साल तो ये प्रॉब्लम चल रही है ते हुण इतों के लोगों को काफी जड़ी अपनी प्रॉब्लम जड़ी है उन्होंने काफी हद तक सॉल्व हो गई है। एक्टिविस्ट हाँ बड़े देर तो लोगों की यह मंग सी कि सानू इत्थे पुल मिलना चाहिए। ये टापू नुमा एरिया इत्थे लोगों हाईवे ते जाने वास्ते 40 किलोमीटर पठानकोट का चक्कर लाना पैंदा सीगा। लोकी बहुत सालों तो संघर्ष कर रहे सन। इलैक्शन वेले तो उन्होंने काफ़ी उम्मीदा दिखाई जांदियां सी पर मगरों कोई नहीं सी पुछदा। हुण अपने हल्के दे एमएलए अश्विनी कुमार जी ने ये लोगों की समस्या नू देखदे हुए कोशिश करके पुल बनाया जिहदे नाल लोगों का 40 किलोमीटर का सफर तो बचा, नाल ही नाल उन्हां दा टाइम बचता, उन्हां दा जिहड़ा खर्च बचता, इहदे नाल इलाके की जिहड़ी अर्थव्यवस्था उहदे ते बहुत अच्छा असर पएगा। सड़क है घरोटे तक जाती है धीरे तो इहनू पक्का करावांगा। और ये जिहड़ा पलटून पुल जिहनू तुसीं देख रहे हो ये देखण नू पलटून पुल जिहड़ा एक लाइफ लाइन है। नौशहरे तो अगर किसी बंदे ने जलंधर जाना है तो लगभग 50 किलोमीटर का फर्क जिहड़ा ये लोगों अज तो बाद महसूस होएगा। और इहदा लाभ कल्ले मेरी विधानसभा नूं नहीं नाल लगदी भोआ विधानसभा जिहड़ी आ घरोटे तक दे जिहड़े पिंड ने इन्हां नूं इहदा लाभ मिले। इस पिंडां दे 7 पिंडां दे लगभग 100 लोग रोज़ सैकल लै के बेड़ी च रख के उस फैक्ट्री तक जांदे सी। और ये पुल जिहड़ा पूरी दी पूरी विधानसभा नूं भी इहने इकट्ठा कीता और इन्हां लोकां नूं इह लगदा कि अज असीं असल च आज़ाद होए हां। और इहदे लई मैं बादल साहब दा, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी दे सब नेतावां दा जिन्हां ने मेरा इस काम च सहयोग किया उन्हां दा धन्नवाद।